फिनाल, हम फिनाल से कैसे बेंजीन को बनाते हैं, तो आप अगले शेप में देख सकते हैं फ्रॉम फिनाल, फिनाल का सूत्र होता है। पहले देख लीजिए हेडिंग हो गया, अगला फ्रॉम फिनाल, फिनाल से कैसे बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि पहले देखिए बकायदे इसको बनाकर भी देख लिया जाता है, ये अपना फिनाल है। फिनाल से अगर हम जड़न जिंक चूर्ण की क्रिया कराते हैं, जड़न की क्रिया कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डिस्टिल्ड डिस्टिल वाटर की डिस्टिल पोजीशन में, तब हमें यहां पर क्या मिल जाता है, देखिए बेंजीन, यही अपने बेंजीन का फार्मूला है, ये हो गया अपना बेंजीन। अब यहां क्या बचने वाला है, ZnO, ZnO इसका जो हाइड्रोजन निकलता है डिस्टिल्ड होता है, इसमें जाकर समाहित हो जाता है। तो इस तरह से अगर हमें थ्योरी लिखना हो तो हम कह सकते हैं व्हेन, देखिए व्हेन फिनॉल इज रिएक्ट, फिनॉल इज रिएक्ट जिंक इन डिस्टिल्ड जिंक डस्ट, ऐसे कहते हैं व्हेन फिनॉल इज रिएक्ट जिंक डस्ट इन डिस्टिल्ड वाटर भी करें या डिस्टिल फॉर्म करें, व्हेन फिनॉल इज रिएक्ट जिंक डस्ट इन डिस्टिल्ड then it got benzene, then it got benzene। इस तरह से कर सकते हैं, यानी फिनॉल जिंक धूल के साथ डिस्टिल होकर बेंजीन बनाती है या बेंजीन देती है, तो ये तीसरा प्रोसेस हो गया। चौथा ये देख लेते हैं कि चौथा क्या होता है, चौथा में हम लोग कर देते हैं फ्रॉम क्लोरो बेंजीन, फ्रॉम क्लोरो बेंजीन, देखिए क्लोरो बेंजीन की कैसे क्रिया कराते हैं, ये अपना क्लोरो बेंजीन है जिसका नाम हो गया ये जैसे फिनॉल है बच्चों, और ये हो गया क्लोरो क्लोरो बेंजीन। क्लोरो बेंजीन की क्रिया अगर हम करा देते हैं हाइड्रोजन से, इस तरह से अगर हम करा देते हैं तो हमें मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या एल्यूमिनियम, ये कैटलिस्ट का काम करता है, और इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं NaOH की, तो हम यहां देखते हैं कि हमें इस तरह से ये बेंजीन मिल जाती है, इसका नाम है बेंजीन। अब शेष में बचता है उसे हम लोग बाहर लिख लेते हैं, अब देखिए कि शेष क्या बचता है, अभी अपना एक HCl ही बाहर निकल जाता है, HCl, ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन इट गिव बेंजीन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस तरह से हम इसकी थ्योरी लिख लेंगे, और नेक्स्ट पॉइंट इसी को अगर हम देखना चाहें तो देखें क्लोरोबेंजीन
इसकी फार्मूला अगर थोड़ा सा इस तरह से लिखें तो C6H5Cl+2H इस तरह से कर सकते हैं। यही प्रोसीजर यहाँ पर भी रहेगा, तो AlNaOH, तो यहाँ हमें मिल जाता है C6H6Cl6। देखिए बच्चों इस तरह से मिल जाता है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हेक्साक्लोरोबेंजीन इसका हम लोग नाम दे सकते हैं। यस सर, ये अभी नहीं ऐड करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, इसको हम पहले बेंजीन कर दें, बेंजीन। इसके बाद जो बच रहा है वो HCl, इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी हमें बेंजीन बनता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रॉम सल्फोनिक एसिड। देखिए यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, या जिसको पिक लेना है या स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, ठीक है। इसे यूट्यूब पर देखते हैं बच्चों, तो एक बार इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, उसको करने में आपका ज्यादा ही क्या है, ठीक है। और कमेंट भी करते रहिए, थैंक यू। आगे बढ़ रहे हैं, अगले पॉइंट का नाम है, अगला जो हेडिंग है हमारा उसका नाम है फ्रॉम सल्फोनिक एसिड। ये सल्फोनिक एसिड से हम कैसे बेंजीन बनाएंगे, देखिए ये बेंजीन रिंग SO3H से हमें बनाना है बेंजीन। SO3 से हमें क्या बनाना है, बेंजीन। इस तरह से हमें बनाना है बेंजीन। आप देख रहे हैं कि किसके साथ क्रिया करती है, ठीक है। ये 150 डिग्री सी से 200 डिग्री सी पर अगर यह क्रिया करती है HCl से अंडर प्रेशर दबाव में, then it give benzene and H2SO4, इस तरह से ये बन जाता है, ठीक है। तो अभी हमारा बन गया benzene। तो हम कह सकते हैं सल्फोनिक एसिड रिएक्ट विद HCl अंडर प्रेशर एट द टेंपरेचर ऑफ 150 टू 200 डिग्री सी गिव benzene सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इस तरह से हम बेंजीन के फॉर्मेशन का काम कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब अगले टॉपिक में हम आपको फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन की बात करेंगे। थैंक यू। एक बार फिर से बच्चों, अभी हम लोग प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन के बारे में कई वीडियो को पढ़े हैं, तो उसी के बाद आता है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन। देयर आर फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन। फर्स्ट, इट इज कलरलेस लिक्विड, यह रंगहीन द्रव पदार्थ होता है। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, यह जल में अमिश्रणीय होता है, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। इट गिव्स एरोमेटिक ऑर्डर, यह एरोमेटिक गंध को देता है, सिंस इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, इसलिए यह एक एरोमेटिक यौगिक होता है। इट इज हाईली फ्लेमेबल, यह उच्च ज्वलनशील होता है, एंड बर्न विद स्मोकी फ्लेम और